मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं मैं आठ साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग एक साल में हर टॉपिक का कोर्स बनकर तैयार है अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमिंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमिंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग एप वट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी लेंचो होप फॉर द रेन और रेन शॉवर डिस्परेटली ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉइंस बिकॉज द रेन ड्रॉप्स हेल्प दू ग्रो हेल्थियर एंड इट वॉज ऑल्सो हेल्प लेट मोर मनी उसे क्या उम्मीद थी कि हल्की सी रेन हो जाए बारिश हो जाए या रेन शावर हो जाए बूंदाबांदी हो जाए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो उसकी फसल थी उसकी फसल बहुत अच्छी थी वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती क्वेश्चन नंबर दो वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस उसने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं नए सिक्कों की तरह आंसर लेंचो कम्पेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू क्वाइंस बिकॉज दे आर प्रोमिसिंग हीम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग टू मोर प्रोस्पेरिटी उससे इसलिए बोला क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स अगर होती है अगर बारिश होती है या रेनड्रॉप्स मतलब बूंदाबांदी होती है तो जो उसकी फसल थी वह और भी अच्छी हो जाती जो कि उसको प्रोस्पेरिटी उसकी समृद्धि उसके परिवार के बढ़ोतरी के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता नंबर थ्री हाउ डिड द रेन चेंज वाट है फील्ड बारिश कैसे बदल गई और किस में बदल गई और क्या हुआ उसके खेतों को द रेन चेंज इन टू हेल स्टॉन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड यूज हेल स्टॉन्स बिगेन टू फॉल एलोंग विद द रेन ऑल द क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉम्स क्या हुआ अचानक जो बारिश थी वो खुश हो गया तो बारिश देख के बूंदा बूंदाबांदी देख के लेकिन अचानक वो हेल स्टॉम्स में ओलों में बदल गई ओलावृष्टि हो गई वहाँ पर और उसकी जो पूरी फसल थी वो नष्ट हो वट वर लेंचोज फीलिंग जब बूंदाबांदी रुक गई तो उसे क्या महसूस हुआ देयर वॉज नथिंग दैट ही विद ही फ्यूचर फॉर लेंच फीलिंग वेन हेल स्टॉप जब ओले रुक गए बूंदाबांदी रुक गई तो उसे क्या महसूस हुआ लेंचो वॉच फील्ड विद ग्रीफ आफ्टर हेल स्टॉप एज एवरी थिंग वाज रूइन, रूइन नष्ट हो जाना एंड देर वाज नथिंग दैट ही कुड फील फीड हीज फैमिली विद उसका सब कुछ नष्ट हो गया था ईवन इतना भी नहीं बचा था कि वह अपने परिवार को पूरे साल खिला सके ही कुड सी अ ब्लिक फ्यूचर फॉर हीम एंड हीज फैमिली बट स्टिल आप इन हीज इन हीम हेल्प फ्राम गॉड सब कुछ खत्म हो चुका था लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण थी वो कहती हैल्प फ्रॉम गॉड कि ईश्वर उसकी सहायता जरूर करेंगे और वट डिड लेंचो हैव फेथ इन वट डिड ही डू लेंचो का किसमें विश्वास था उसने क्या किया लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरी थिंग उसे भरोसा था कि ईश्वर हर कुछ सब कुछ देखता है इवन वट इज डीप इन वंस कंसेंस एंड हेल्प एवरी वन इन वंस प्रॉब्लम हालांकि किसी के मन में भी अगर कोई बात छुपी होती ना तो उसको विश्वास था कि ईश्वर वो भी सुन लेता है और उसकी मदद करता है और उसकी समस्याओं को देखता है उसका सोल्यूशन निकालता है ही रोट एटर टू गॉड डिमांडिंग ही मा हंड्रेड पिसोज टू फीड हिज फैमिली एंड सो हिज फील्ड अगेन उसने एक लेटर फिर से ईश्वर को लिखा और उससे कहा कि मुझे हंड्रेड पिसोज दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का भारण पोषण कर सकूँ खाना वाना खिला सकूँ और जो मेरी अगली बार जो फसल बोनी है वो बो सकूँ उसके पास इतना भी नहीं बचा था कि अगले साल की फसल बो सके क्वेश्चन नंबर वट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया दोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो लाफ्ट वन ही रीड लेंचोज लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस टू सी द फेथ इन गॉड पहले तो वो हंसा मोटा थुंतरा व्यक्ति था मजाकिया था पहले तो वो जोर से हंसा जैसे ही पढ़ उसने देखा वाओ वट आई थिंक लेटर टू गॉड ईश्वर का एड्रेस किसे पता है भाई किसी को नहीं पता होता ईश्वर तो हर जगह ईश्वर कहीं भी नहीं है दोनों चीज़ें ही सही हैं तो उसने कहा लेकिन उसको विश्वास देखो ही डिट नाट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लो लेंचो एंड रोट अ सिंगल वर्ड इन द लेटर गॉड लेकिन वो नहीं चाहता था कि जो लंचों का स्मेल में भरोसा है विश्वास है वो डिपमगाए वो हिले इसलिए उसने क्या सोचा पैसे इकट्ठे किए एक इनवेलप में रखे और लंचों के लिए रख दिया अलग और उस पर केवल एक शब्द लिखा गॉड ताकि लेंचो को पता ना लगे सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट क्या लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज हुआ आश्चर्य हुआ ये देख कर कि उसे एक ईश्वर ने खुद लेटर भेजा है जिसमें पैसा भी है नो no, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इन साइड इट नहीं उसे जरा भी तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ सरप्राइज आश्चर्यचकित उसको ईश्वर ने लेटर लिखा है पैसे भेजे कि उसका फर्म ही इतना था डीप फर्म था उसको ईश्वर में कि वो तो भेजेंगे भेजेंगे टू हैव फेथ इन वट डिड ही डू किसमें और क्या विश्वास था लेंचो को और क्या उसने किया लेंचो है फर्म फेथ इन गॉड दृढ़ विश्वास था गहरा विश्वास था आस्था थी ईश्वर के प्रति बहुत गहरी ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग उसका विश्वास था कि ईश्वर सब कुछ देखता है जो आपके मन के अंदर है इवन वो भी उसको पता होता है ही रॉट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम हीड पिसोस इसलिए उसने क्या कहा ईश्वर को सब कुछ पता है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ एक लेटर कि मुझे हंड्रेड पिसोस भेज दो हालांकि वो नहीं भी लिखता तो उसे तब भी भरोसा होता शायद कि वो भेजेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर लेटर पढ़ने के बाद जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या कहा द पोस्ट मास्टर लाव वेन यू रीड लेंच लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस टू सी हिज फेथ इन गॉड ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेंच फेथ इन गॉड सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लंचो क्या था जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था तो लंचो का ईश्वर के प्रति भरोसा है वह ढगमगाए इसलिए उसने पैसे इकट्ठे किए और लंचों को भेज दिया हालांकि वो पहले जैसे ही उसने लेटर पढ़ा था वो हंसी से फट गया था हंसने लगा था ज़ोर ज़ोर से लेकिन जल्दी ही सीरियस हुआ उसने इस बात को समझा कि ईश्वर के प्रति इस इंसान की कितनी गहरी आस्था है और उसने पैसे इकट्ठे करके अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया हु डज लेंचो हैव कम्प्लीट फेथ इन विथ सेंटेंसिज इन द स्टोरी यू दिस उसका ईश्वर में गहरा विश्वास था कौन से सेंटेंस आपको बताते हैं लेंचो हैड कम्प्लीट फेथ इन कॉड द फॉलोइंग सेंटेंस इन द टैक्स सोस दिस उसका गहर ईश्वर में गहरा विश्वास था और जो फॉलोइंग सेंटेंस से नीचे जो वाक्य लिखा है वो ही बात दर्शाता है कॉट ही रोड ईश्वर उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे मैं और मेरा परिवार इस पर भूख से मर जाएंगे ही रोड टू गॉट ऑन द एनवल पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल वेंट टू टाउन उसने लेटर लिखा एनवलप में डाला और र की तरफ चल दिया गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड उसने क्या कहा ईश्वर गलती नहीं कर सकता जब सेवेंटी पीसोस मिले और ना ही ईश्वर उसको मना कर सकते जो कुछ उसने मांगा है ईश्वर प्लीज़ सो पिसोस क्या है वो तो कितने पिसोस दे देंगे तो ये सेंटेंस बताते हैं लेंचो का ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास था क्वेश्चन मास्टर सेंड मनी टू लेंचो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे वाई डज ही साइन द लेटर गॉड और पूरे जो एनवल था उसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ था वो भी सिग्नेचर क्या था पैसे के साथ गॉड आंसर द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू कीप अव द ट्रस्ट ऑफ लेंचो इन गॉड उसने पैसे इसलिए भेजे ताकि ईश्वर के प्रति जो उसका भरोसा है वो बना रहे एज ही रीड लेंचोज लेटर ही ग्रू सीरियस एंड विस्ड ही हैज द सेम फेथ इन गॉड पहले तो वो हंस गया था पढ़ के कि देखो ईश्वर के नाम पे उतने इतने बड़े अपने लाइफ टाइम में कभी भी नहीं देखा था किसी ने ईश्वर को पत्र लिखा हो लेकिन फिर उसने सीरियस हो गया उसने कहा काश मुझे भी ईश्वर में इतना गहरा विश्वास होता इवन आफ्टर सींग द लेंचो ही हैड आज द मनी ही स्टक टू हिज प्लीज टू आंसर द मैसेज ही रेज द मच मनी एज ही विल बी एबल टू एंड सेंड इट टू लेंचो उसने जितना उससे हो सका पैसा इकट्ठा किया अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया अपने एम्प्लॉइज से लिया अपने दोस्तों से लिया पैसा इकट्ठा किया और लंचों को भेज दिया ही साइन इट एज गॉड सो एज नॉट टू सेक लंचो फेथनी और उसने साइन इसलिए किया गॉड तो ताकि वह नहीं चाहता था कि लेंचो का जो इसमें भरोसा है, तो है विश्वास है वो कहीं से भी थोड़ा बहुत भी डगमगाए वो चाहता था वो एज इट इज़ रहे नेक्स्ट डेट जो है विश्वास है वो कहीं से भी थोड़ा बहुत भी डगमगाए था तो वो एज इट इज रहे वाट हैड सेंड द मनी टू हिम बाय और बाय नॉट क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश करी कि पैसा किसने भेजा क्यों भेजा कहाँ से भेजा no. लेंचो नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू तो फाइंड आउट सेंड द मनी बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड दैट एनी वन एल्स अदर देन गॉड वुड सेंड हिम द मनी उसने कोशिश ही नहीं कर पता करने की क्योंकि उसे तो पूरा भरोसा था पूरा पैसा भगवान जी ने भेजा है और उसे मालूम था कि उनके अलावा कोई भी ये पैसा नहीं भेज सकता he had strong faith in God and believed that God had sent him the money. उसका ईश्वर में इतना गहरा विश्वास था उसे पता था पैसा ईश्वर ने ही भेजा है Had taken the rest of the money. What is the irony in the situation? Remember that the irony of the situation is and Who does Lencho think has taken the rest of the money? लंचों ने किसको सोचा कि उसने बाकी बचा हुआ पैसा ले लिया सत्तर पिसोस बैठे थे तीस रह गए थे सौ मांगे थे तो उसने किसके बारे में सोचा कि बचा हुआ पैसा किसने रख लिया वाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन और इसमें जो हंसी वाली बात है आयरनी व्यंग्य है ऊबर क्या आता है वो क्या है रिमेंबर देट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड आस्पेक्ट ऑफ इट आयरनी वो होती है जहाँ उसकी उम्मीद नहीं होती वो चीज ऊपर के आ जाती है एंड आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेन और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड और इसकी स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बात कौन सी है मजेदार बात कौन सी है जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं होती अचानक वही आ जाती है सामने बिल्कुल विरोधाभास होता है उसमें आंसर लेंचो फिगर्ड दैट द मेजोरिटी ऑफ द मनी हैड बीन टेकन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स उसे भरोसा था कि जो बचा हुआ पैसा था इसने लिया पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने दरनी ऑफ द केस वाज दे वर्कर्स That he called a bunch of crooks and assumed them of stealing. So, think has taken the rest of the money. What is the irony in the situation? Remember that the irony of the situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is opposite of what is expected. Irony? Veng ukti. मतलब व्यंग में जो बात की जाए उसे आयरनी कहते हैं मतलब जो सिचुएशन है उसके अपोजिट कोई बात निकल के आ जाए तो वहाँ आयरनी होती है तो क्या कह रहे लेंचो थिंक टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी सॉरी उसने क्या सोचा कि जो बचा हुआ पैसा है वो किसने लिया वाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन इसमें जो व्यंग की बात है व्यंगोक्ति है वो कौन सी है इस स्थिति में लेंचो फिगर्ड दैट द मेजोरिटी ऑफ द मनी हैड टेकन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स उसने फिगर आउट कर दिया कि जो पैसा है बचा हुआ वो पक्का है, पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने ले लिया है द आयरनी ऑफ द केस वॉज दैट द वर्कर्स दैट ही कार्ड ए वंच ऑफ क्रूक्स एंड एक्यूज दैम ऑफ स्टीलिंग सम ऑफ द मनी एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड देयर सीयर्स टू सेंड ही मनी और इसे व्यंग्योक्ति क्या थी वास्तव में जिन्हें वो बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा था लुटेरा कह रहा था ठग कह रहा था ठगों का दल कह रहा था वही लोग थे जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया था इकट्ठा किया था ताकि लैंचों का ईश्वर में विश्वास बना रहे नेक्स्ट देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन लेम सेल्फ हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट उभर गए हैं एक तो ह्यूमन और नेचर का दूसरा ह्यूमन टू ह्यूमन आप उनके कैसे इलिस्टेट करोगे देर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूम एंड सेल्फ दो तरह के हैं ह्यूमन और नेचर में मानव और प्रकृति में मानव और मानव में द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलिस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग वे उसको इस तरह हम दर्शा सकते हैं अ फार्मर हेल्दी क्रॉप गेट डिस्ट्रॉयड बाय द हेयर स्टॉम्स

ओलावृष्टि में बदल गई पूरी फसल नष्ट हो गई पेड़ों पर एक भी पत्ती तक नहीं बची सब तरफ सफ़ेद चादर थी ओलों की उसने कहा भी था इट लुक्स लाइक अ सॉल्ट ऐसा लगा था किसी ने पूरी वैली में नमक बिछा दिया नमक बिछा दिया क्यों बोला नमक डालने से चीज़ें नष्ट हो जाती हैं फसल नष्ट हो जाती है भूमि बंजर हो जाती है अब उसके पास ना तो फसल थी ना खाने के लिए था ना पैसा था तो इसलिए ह्यूमन और नेचर को दर्शाया गया इसमें कॉन्फ्लिक्ट सेकेंड है ह्यूमन बिटवीन बिटवीन ह्यूमन इज डिपेक्टेड इन द फॉलोइंग वे द पोस्ट मास्टर इज मूव बाई लेंचू फेथ इन गॉड जो पोस्ट मास्टर था जब उसने देखा लंचू का ईश्वर विश्वास तो उसने कहा नहीं बॉस इसकी मदद तो करना बनता है ही ट्राइज टू हेल्प हिम एंड टू रिटेन द फेथ कलेक्ट्स मनी एंड गिवज इज टू लंचू उसका विश्वास रखना चाहता था इसलिए उसने पैसा इकट्ठा किया और लंचो को भेज दिया बट एन लेंचू सीज द अमाउंट इज लेसर देन वाट ही हैड आस्क फॉर ही डाउट्स द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड कॉल इट अ बंच ऑफ क्रुक्स लेकिन जैसे उसे संदेह हुआ कि बचा हुआ पैसा रख लिया भैया इन्होंने उससे था कि मैंने सौ मांगे सत्तर मिले इसका मतलब तीस इन्होंने रख लिया पोस्ट ऑफिस वालों ने उसे वैसे ही पता था पोस्ट ऑफिस वाले पैसे का लेन देन करते हैं तो यही रख सकते हैं तो उसने उन्हें क्या कहा बंच ऑफ क्रुक्स ठगों का दस लुटेरों दस द मैन डाउट दोज हुल्प देम इस तरह हम देखते हैं आदमी ने उस पर संदेह किया लेंचो ने उन पर संदेह किया जिन्होंने उसकी मदद की थी एक्चुअली वो अननोन था उसको पता भी नहीं था कि मदद किसने की उसकी तरफ से तो ईश्वर ने मदद की इसलिए उसने संदेह किया दस वी गेट टू सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स यहाँ हम देखते हैं ह्यूमन्स के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट उभर कर आता है कि जो मदद कर रहा है आप उसी को कह रहे हो तो चोर है लुटे है स्केच ऑफ लंचो लेंचू का करेक्टर स्केच क्या है लंचू अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचू वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर ही वर्क लाइक एंड ऑक्स इन हिज फील्ड बिल्कुल बैल की तरह काम करना मतलब बहुत मेहनती होना जो बहुत मेहनती होते हैं हो, उन्हें कहते वर्क लाइक एंड ऑक्स तो वह एक गरीब किसान है जो बहुत मेहनती है सेकेंड लव फॉर फैमिली अपने परिवार को बहुत प्यार करता है लेंचो क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाई हिलस्ट्रॉम सो ही वॉज वरीड अबाउट द फैमिली उसकी पूरी फसल ओलावृष्टि में नष्ट हो जाती है तब उसे अपने परिवार की चिंता होती है कि वे व्यक्ति है पैसी मिस्टिक नहीं है हिज क्रॉप्स टोटली डिस्ट्रॉयड बट ही डिड नॉट लूज होप पूरी फसल नष्ट हो चुकी है घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है बीज भी नहीं है कैसे क्या करेगा लेकिन वो इतना ऑप्टिमिस्टिक है उसको अभी भी एक उम्मीद है ही है डीप ब इन गॉड ईश्वर में गहरा विश्वास है ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हीज डिस्ट्रेस उसे पूरा विश्वास है ये डिस्ट्रेस की जो निराशा की जो स्थिति उत्पन्न हुई है फसल नष्ट हो गई है इसमें केवल ईश्वर इस है जो उसकी मदद करेंगे एन इनोसेंट मैन एक इन्नोसेंट आदमी है जिसे बिल्कुल इनोसेंट सा लाइक like अ किड नादान बच्चे ऐसा लंच नॉट नो दैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज कॉट हु कूड सेंड यू मनी उसे ये भी नहीं पता कि वास्तव में ईश्वर तो एक शक्ति है जो हमारे एक ओरा है जो हमारे चारों तरफ होगा लेकिन कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि हम उनको लेटर लिख दें वो हमें पैसे दे दें ही विज सो पाठ नो डाउट बट ऐसा कोई एड्रेस नहीं जिसपे हम ईश्वर को लेटर लिख के भेजें और ईश्वर हमको पैसे भेज दें दैट गॉड विड हेल्प हिम इन द डिस्ट्रेस लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग हैड सेंड ही मनी विच हिज इनोसेंस जो उसकी इनोसेंस को दिखाता है स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड ईश्वर में गहरी आस्था है इवन पोस्ट मास्टर भी सोचता है काश मैं भी इतना बिलीव कर पाता पहले वो हंसता है लेकिन कहता है अरे पूरे कैरियर में आज पहली बार किसी ने ईश्वर को लेटर लिखा है इतना गहरा विश्वास जो है डीप फेथ इन गॉड हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड ही रोट वेन लेटर टू गॉड टू सेंड हिम हंड्रेडोड बट वेन ही रिसीव सेवेंटी पोस्ट ऑफिस इम्प्लायर बंच ऑफ क्रुक्स टू सेंड हिम रिमेनिंग थर्टी इन गॉड वे सौ पैसे, पैसे के लिए लिखता है ये बता दिया है बहुत बार आपको हंड्रेडोस मांगे थे सेवेंटी मिले थे तो वो कहता है मुझे जो रिमेनिंग तीस है वो भेज दो लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना ये भी साथ में लिखता है करैक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर लेंचू का और पोस्ट मास्टर का दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करैक्टर स्केच है इस लेसन से द पोस्टमैन इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड वाज वन ऑफ द वेरी हम्बल एंड काइंड करेक्टर स्केच ऑफ postmaster the द in the इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड a वेरी हम्बल एंड काइंड इन नेचर बहुत ही दयालु और अच्छे नेचर का व्यक्ति दिखाया है स्टार्टिंग में लाइन भी लिखी है अपने टेक्स्ट में पढ़ा हुआ अ फैट एमियबल फेलो खुश मिजाज मोटा थुलथला आदमी है वेन ही सा दैट आ पर्सन है लेटर एड्रेसिंग टू द गॉड ही रीड द लेटर एंड डिसाइडेड टू हेल्प द इनोसेंट पर्सन वो लेटर को पढ़ता है और निश्चय करता है कि उस इनोसेंट पर्सन की मदद करेगा ही वेरी वेल न्यू दैट देयर इज नो एड्रेस ऑफ गॉड और विच ही विल डिलीवर लेट जो लेटर उसे पता था कि ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं जिसमें वो लंचों का लेटर भेज दें डिसाइडेड टू नॉट लेट लेंचोज इमोशंस डाउन एंड हेल्प हिम बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसका जो विश्वास है वो डगमगाने नहीं देगा पैसे इकट्ठे किए कंट्रीब्यूट किए अपनी सैलरी का पार्ट भी दिया दोस्तों से लिए इम्प्लॉयज से लिए बट आफ्टर सींग लेंचो सेकेंड लेटर एवरी वर्ड इनक्लूडिंग द पोस्ट फेल्ट वेरी सैड एज ही हैड कंप्लेन टू गोड अबाउट द पीपल वर्किंग द पोस्ट ऑफिस लेकिन जैसे ही सेकेंड लेटर पढ़ता है वो और पूरे के पूरे पोस्ट ऑफिस के लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ हमने तो मदद की थी और इसने तो हम को ब्लेम कर दिया ही कॉल्ड डैम अ बंच ऑफ़ क्रूक्स पोस्ट मास्टर फील वेरी लो टू रीड लेटर इस सेकेंड लेटर वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहता है जो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत लो फील करता है उसे बहुत बुरा लगता है जब वो पढ़ता है अपने लिए अपने दोस्तों के लिए अपने एम्प्लॉज़ के लिए कि वी आर द बंच ऑफ क्रूक्स बट यहां पे हम लंचों को दोस्त नहीं दे सकते क्योंकि उसको नहीं पता है कि पैसे किसने भेजे हैं थैंक यू